नमस्कार, मैं हूँ सान्य राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हम लोग सरस मेला में हैं और यहाँ पे दो कारीगर हैं जो कि औरतों के लिए लहठी जो होती है वो बना रहे हैं। जरा उनसे जानते हैं कि लहठी बनता कैसे है और किस तरीके से बनता है, क्या क्या इसमें सामग्रियाँ लगती हैं। अच्छा भैया, आप लोग ये जो चूड़िया बनाते हैं, लहठियाँ बनाते हैं, ये कैसे बनता है? लहठी लाख का चूड़ी है, जो लाह होता है ना, वो लाह का चूड़ी बना रहे हैं हम लोग। और पहले हम लोग गावा तैयार करते हैं, उसके बाद भट्टी पे बनाया जाता है गर्म करके मेटल द्वारा। अच्छा, ये जो आपने स्टिक्स रखे हुए हैं, ये स्टिक्स कैसे होते हैं? ये वाले जो स्टिक्स हैं, ये क्या होता है? तो हम बनाते हैं, लाह होता है, देखिए ऐसे इसमें गावा लगाते हैं, उसके ऊपर कलर लगाते हैं। आराम से रखिएगा इसको, इसको हम कलर लगाते हैं और इसी पे कलर लगा के ऐसे बेल करके, प्लेट गर्म करके बेल करके फिर इसको निकालते हैं। अच्छा, जरा एक बना के दिखाइए तो लोगों को। अभी बना करके नहीं दिखला सकते हैं, ऑर्डर नहीं आया है। ऑर्डर आया हुआ है, रखा हुआ है ना, डायरेक्टली आपको सेट बना के दिखला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है किस तरीके से ये लहठी बना रहे हैं। लाह का लहठी है ये, और अलग अलग कलर्स में होता है। आप देख सकते हैं कि कैसा होता है ये लाह का लहठी। ये भैया जो है वो सटल कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं लाह के लहठी का, आप देख सकते हैं। और अभी ये बनाने वाले हैं, वो हम लोग आपको दिखाएंगे। वो देख सकते हैं वो किस तरीके से बना रहे हैं। पहले एक चूड़ी का नाप उसमें रखेंगे, उसके बाद से उसके हिसाब से वो लाह का लहठी बनाएंगे। ये दिखे जरा आप। अच्छा, ये चूड़ी का क्या करेंगे आप? क्या ये जो चूड़ी रखा हुआ है उसका क्या? इसका मेटल क्या है? हाँ हाँ। इसको आग में रखेंगे। अच्छा, उसको पिघला के फिर बनाएंगे? गरम करेंगे, पूरा पिघलेगा नहीं, हीट वो लाग आती है। देखिए देखिए यहाँ पे, यहाँ पे दिखलाइए भैया, देख सकते हैं आप कैसे बनाया जा रहा है ये लाह का लहठी, कैसे बनाया जा रहा है। पहले मेटल को पिघलाया गया है, गर्म किया गया है, उसके बाद उसमें लहठी को रखा गया है, लाह की लहठी। दादी को बैठा दिया था। बैठा बैठा बैठा, यहाँ पे अब देखिए रख दिए ना, देख रहे हैं आप। इसको भट्टी पे से गर्म किया जा रहा है, इसको सेट किया जा रहा है, उसको गोल बनाया जा रहा है। ये स्टिक की तरह था पहले, उसके बाद इसे गोल बनाया गया और लहठी पूरा बनाया जाएगा। और ये काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है, मल्टी कलर देखने को लगता है और काफ़ी सुंदर लगता है। जब औरतें जब इसे पहनती हैं तो उनके श्रृंगार में और ज़्यादा आकर्षण आ जाता है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसको बनाया जा रहा है। देखिए इसको यहाँ पे डाई है, हमने इस डाई में डाला और इसको आकार दिया है, गोलाकार। इसको न गोल है न चपटा है, इसको एक आकार दे दिए, ठीक है जी। और इसके बाद इसको हम इसको ऐसे करके इस पर हम फिनिशिंग देंगे, ठीक है। जैसे उस समय इतना चमक नहीं था ना, अभी चमक आ गया ना, तो जैसे हम इसको फिनिशिंग करेंगे ना, ये चमक आ जाएगा इसमें। अच्छा, तो ये रेट क्या है भैया इसका? 150 में 6 पीस हम बेच रहे हैं यहाँ पे। और आप ऐसे लोगों को बना के देते हैं सामने में? हाँ, यहाँ सामने ही बना के दे देते हैं, और बना हुआ भी हमारे स्टॉल पे रखा हुआ है। कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? 10 मिनट लगता है, देखिए ना आपके सामने बना रहे हैं। हाँ, इसको जब तक नहीं ठोकेंगे ये आकार में नहीं आएगा, शेप में नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखिए कढ़ा बन गया, अब चूड़ी बनेंगे जी। ये कड़ा हो गया, इसके अंदर एक पतली एलियट्स में चूड़ियाँ भी बनेंगी जी। देखिए ना, अभी दिख के पता चल जाएगा जी। आपने देखा कि किस तरीके से ये लाह का लहठी जो है बनाया जाता है, और इसे ही औरतें जो है ना अपने श्रृंगार को अच्छा बनाने के लिए इसको यूज़ करती हैं और अपने हाथों में पहनती हैं, और काफ़ी सुंदर दिखता है ये लाह का लहठी। ये मल्टी कलर में भी होता है, अलग अलग तरीके से बनता है, और यहाँ पे सामने में बना के दिया जा रहा है औरतों को, और काफ़ी खुश भी नज़र आ रही हैं औरतें जो इनसे पहनती हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है, डिमांडेबल होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता।